डोमिनिका टेस्ट में दूसरा दिन भी मेहमान टीम के नाम रहा। दूसरा दिन यशस्वी जायसवाल के लिए यादगार रहेगा। यशस्वी जायसवाल टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू मैच में शतक लगाने वाले 17वें भारतीय बने। यशस्वी ने रोहित के साथ मिलकर और भी कई रिकॉर्ड बनाए। यशस्वी और रोहित शर्मा के दम पर भारत ने दो मैच की सीरीज के पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी स्थिति काफी मजबूत कर ली है। दो दिन का खेल खत्म होने के बाद टीम इंडिया ड्राइविंग सीट पर है। टीम इंडिया लगभग ऐसी स्थिति के बहुत करीब है जहां से उसकी पारी की जीत संभव नहीं दिख रही है। यशस्वी जायसवाल तीसरे दिन यानी 14 जुलाई को लंबे समय तक क्रीज पर टिक गए तो भारत के लिए टेस्ट डेब्यू पर सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर के शिखर धवन के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। शिखर धवन ने अपने डेब्यू टेस्ट में 187 रन बनाए थे। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने के समय तक दो विकेट पर 312 रन का स्कोर बना लिया है। इस तरह उसने वेस्टइंडीज के खिलाफ 162 रन की लीड बना ली है। बाएं हाथ के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल 143 रन बनाकर नाबाद थे। वहीं पूर्व कप्तान विराट कोहली भी अपने खाते में 36 रन जोड़ चुके थे। इस दौरान विराट कोहली ने भारत के लिए 5वें सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाज की उपलब्धि भी हासिल की। इससे पहले रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट में अपना 10वां शतक बनाकर आउट हुए। टेस्ट क्रिकेट में उनका विदेश में यह दूसरा शतक रहा। रोहित ने डेब्यू मैन एलेक अथनाजे की गेंद को सीमा रेखा के पार भेजकर अपना शतक पूरा किया। हालांकि अगली ही गेंद पर वह विकेट कीपर जोशुआ डिसिल्वा को कैच थमा बैठे। रोहित शर्मा की जगह बल्लेबाजी के लिए आए शुभमन गिल दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। वह सिर्फ 6 रन बनाने के बाद बारी रन की गेंद को दूसरी स्लिप में अथनाजे के हाथों में खेल गए। वैसे उनकी जगह आए विराट कोहली ने क्रूज कंट्रोल मोड में बल्लेबाजी की। खास ये है कि इस टेस्ट मैच में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले यशस्वी जायसवाल ने भी एलेक अथनाजे की गेंद पर ही अपना शतक पूरा किया था। वेस्टइंडीज के लिहाज से बात करें तो उसके लिए मैच में अब तक कुछ भी अच्छा नहीं रहा। वेस्टइंडीज के कप्तान क्रेग ब्रैथवेट ने 8 गेंदबाजों को आजमाया लेकिन सफलता सिर्फ बैटिंग ऑलराउंडर एलेक अथनाजे और जोमेल वारिकन को ही मिली। ऑफ स्पिनर हकीम कॉर्नवाल पहले सेशन में प्रभावी दिखे लेकिन छाती में संक्रमण के कारण उन्हें ड्रेसिंग रूम लौटना पड़ा।